और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज वाराणसी की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि एसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या फिर नहीं। वाराणसी की कोर्ट में सुबह 11 बजे फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट में 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग की थी। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध करता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो एएसआई रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ईमेल के जरिए जो रिपोर्ट है उसे भेजा जाए, रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन ज्ञानवापी केस के लिहाज से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाराणसी की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि एएसआई की रिपोर्ट जो है उसे पब्लिक किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में सुबह 11 बजे इस चीज पर फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट में 18 दिसंबर को सर्वे पर बातचीत हुई थी ज्ञानवापी केस में, आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है या नहीं करना है इस पर 11 बजे अपना फैसला कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है। और आज का पूरा मामला क्या है जिस पर वाराणसी की अदालत में सुनवाई होगी वो भी चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने या फिर नहीं करने पर फैसला आने वाला है। पहले 6 जनवरी को सुनाया ये फैसला जाना था और पिछली सुनवाई में एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। एएसआई ने जिला अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा था जिसमें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। 18 दिसंबर को एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश की थी। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई थी। सीलबंद रिपोर्ट पर हिंदू पक्षकार ने आपत्ति जताई थी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 1500 पन्नों की है। सर्वे में मिले अवशेषों को भी कोर्ट में रखा गया। एएसआई सर्वे ज्ञानवापी परिसर में 100 दिन से ज्यादा चला था। मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की गई। हिंदू पक्षकार रिपोर्ट सार्वजनिक करने के हालांकि पक्ष में दिखाई दिए थे। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर ये अहम जानकारियां थी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की मिल रही है जहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर, ईडी की टीम ने शेख शाहजहां के घर का ताला तोड़ दिया है। संदेश खली में ईडी पर हमले की घटना के ठीक 19 दिन के बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़ी छापेमारी, फरार है टीएमसी नेता शेख शाहजहां, कहां पर है ये भी नहीं पता है। अब बड़ी खबर यह है कि ईडी की टीम जब उनके घर पहुंची तो ताला उनके घर का तोड़ दिया गया है। ईडी की टीम फिलहाल घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। घर खाली था, अंदर कोई भी नहीं है। शाहजहां शेख तो कहां है पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनके घर वाले भी अभी वहां मौजूद नहीं है। उसके बाद ईडी की टीम ने ताला तोड़ा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है ईडी की टीम और पिछली बार की घटना को याद करते हुए, क्योंकि ईडी की टीम के ऊपर हमला हो गया था, इस बार बहुत ज्यादा फोर्सेस के साथ ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। घर को घेर कर रखा गया है ताकि फिर से उनके समर्थक वहां पर पहुंच ना जाए। पूरा गांव पहुंच गया था पिछली बार और कैसे हमला किया गया था हर किसी को याद है। अब बड़ी खबर इस वक्त की, शाहजहां शेख के घर के भीतर प्रवेश ईडी की टीम कर चुकी है और ताला तोड़कर अंदर घुसी है ईडी की टीम। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब अंदर दस्तावेज खंगाले जाएंगे। शाहजहां शेख भागे भागे फिर रहे हैं, कहां अभी वो है इसके बारे में भी नहीं पता है। ये कहा जा रहा है कि शायद बंगाल वो छोड़ चुके हैं, संभवतः वो भागकर बांग्लादेश चले गए होंगे। अब अंदर घुसी है ईडी की टीम और क्या वहां पर दस्तावेज खंगाले जाते हैं और अंदर से कोई सुराग क्या शाहजहां शेख का भी मिल पाता है, ये अभी सवालों के घेरे में है। पर बड़ा अपडेट ये है कि बड़ी फोर्स के साथ पहुंची है ईडी की टीम और अभी छापेमारी चल रही है।